दोस्तों, जब भी आप अपना नया नया बाथरूम की कंस्ट्रक्शन कराते हैं, उसमें वाटरप्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वाटरप्रूफिंग कैसे करना है और इसमें क्या गलतियां कर दी गई हैं जिससे वाटरप्रूफिंग करने में दिक्कत आती है, और ऐसा आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जो होता है, बाथरूम का वाटरप्रूफिंग किया जाता है प्लास्टर होने से पहले। जैसा कि आपको दिखाया गया है इस वीडियो में, प्लास्टर हुआ नहीं है, प्लम्बिंग का काम हो गया है, पाइप वगैरह की फिटिंग हो गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप प्लम्बिंग का काम कराइए, उसका जो है, आप इसमें आप देख रहे हैं ये जो वर्क हुआ है प्लम्बिंग का, ये टोटल गलत हुआ है। इसमें करना क्या है कि जो प्लम्बिंग होता है, जो पाइप होती है, उसका फिटिंग आपको बेस में कराना है, बाथरूम के बेस में कराना है, ताकि वाटर प्रूफिंग करते समय जब इसके ऊपर पेस्ट लगना शुरू हो जाएगा तो वो जो है इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग हो जाएगी और पाइप वगैरह नीचे हो जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि जो सीपेज होता है वो वाटर प्रूफिंग के ऊपर नहीं आ पाएगा। लेकिन इसमें गलती एक कर दिया गया है कि इस पाइप का जो प्लम्बिंग का काम हुआ है, ये ठीक इसके ऊपर कर दिया गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है पाइप जो है, ये जो बीम पड़ा है, इसके ऊपर से हवा में लटकते हुए गया है। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है, इसको आपको बेस में ही कर देना है, ताकि वाटर प्रूफिंग इसके ऊपर हो जाएगी। कई लोगों को नहीं मालूम होता है, मेरे पास कॉल आती है कि सर वाटर प्रूफिंग कब कराना है मुझे, प्लम्बिंग के पहले कराएंगे या प्लम्बिंग के बाद कराएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वाटर प्रूफिंग का काम हमेशा प्लम्बिंग के बाद ही होता है, ताकि अगर वाटर प्रूफिंग हो जाएगी तो वाटर प्रूफिंग इसके ऊपर हो जाएगा, तो सीलिंग सीपेज ऊपर नहीं आएगा और सीलिंग के अंदर भी नहीं जाएगा। कई लोग क्या गलती करते हैं कि वाटर प्रूफिंग बना देते हैं लेकिन उसमें बाथरूम बना देते हैं लेकिन उसमें वाटर प्रूफिंग का काम नहीं करते हैं, तो बाद में चल के उनका सीलन वगैरह से पूरा जो प्लास्टर होता है वो ख़राब हो जाता है, और जो इसके जस्ट पीछे की दीवार होती है, ये जो ब्रिक वाल है, तो इसके बगल में जो कमरा होगा उसकी जो दीवार आती है, वहाँ से पेंट प्लास्टर पुट्टी सब ढड़ने लगता है, गिरने लगता है, जो बहुत ही ख़राब लगता है। नया नया कंस्ट्रक्शन होता है, उसी टाइम अगर आप ये काम करा देंगे तो कम खर्चे में हो जाएगा और आपका पैसा बाद में चल के ज़्यादा खर्च नहीं होगा और आपका चीज़ें नुकसान नहीं होगी। बाथरूम वगैरह जो चीज़ होता है, ये हमेशा इसमें पानी लगा होता है, पानी का काम हमेशा लगा होता है नहाने के लिए, या पानी का यही एक घर में चीज़ होती है जो वहाँ जहाँ पानी का यूज़ किया जाता है। तो एटलीस्ट आप बाथरूम का वाटर प्रूफिंग करा दें। अगर आपके बाथरूम पुराना हो चुका है, उसमें सीलन सीपेज है, तो प्लास्टर तोड़ के उसमें वाटर प्रूफिंग करा के फिर से प्लास्टर कर ऊपर से कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आगे चल के क्या होगा कि जब बार बार आप रिनोवेशन कराएंगे, बार बार प्लास्टर कराएंगे, फिर वही दिक्कत आती आएगी सीलन सीपेज की, जिससे पूरा आपका दीवार ख़राब होने लगेगा और वाटर प्रूफिंग का जो खर्चा आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। तो जो चीज़ें खराब होने से बाद आप करते हैं, इससे अच्छा है कि आपको पहले अगर ये चीज़ मालूम चल जाती है, मेरे वीडियो के माध्यम से आप ये चीज़ देख लेते हैं वाटर प्रूफिंग, तो आप प्लास्टर होने से पहले, अपना बाथरूम खराब होने से पहले, घर खराब होने से पहले अपना उसमें वाटर प्रूफिंग कर दें। एक घर में कहाँ कहाँ वाटर प्रूफिंग होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वाटर प्रूफिंग बाथरूम, किचन, बालकनी एरिया, छत की होती है और बेसमेंट की होती है। कंपनी की जो सर्विस है पूरी दिल्ली में अवेलेबल है, पूरी इंडिया में अवेलेबल है। आप दिल्ली से कहीं के रहने वाले हैं, इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और वाटर प्रूफिंग भी अपना करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है ये टोटल क्लीन हो चुका है। कैसे करना मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्लास्टर वगैरह हटा लेना है, ये तो नया कंस्ट्रक्शन है तो प्लास्टर हुआ नहीं है, उसके पहले यहाँ पर वाटर प्रूफिंग का काम किया जा रहा है। अगर आपका पुराना हो चुका है तो उसका प्लास्टर हटा लें, क्योंकि वाटर प्रूफिंग हमेशा बेस एरिया में होता है, बेस पे होता है। अगर ईंट की दीवार है तो उसके बेस पे होगा, अगर लिंटर है तो उसके बेस पे होगा, प्लास्टर के ऊपर इसको कभी नहीं किया जाता है। कुछ लोग गलतियां कर देते हैं लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, हमेशा ये बेस पे होता है। तो वाटर प्रूफिंग जो भी आप कराइए इसके बेस पे कराइए, नया कंस्ट्रक्शन है तो उसके दीवार पे, लिंटर पे कराइए, पुराना है तो प्लास्टर हटा के उसके ऊपर आप काम करा सकते हैं। तो इसमें जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्लीनिंग कर दी गई है और ये प्राइमर लग रहा है, जब प्राइमर सूख जाएगा ये वाटर प्रूफिंग केमिकल है। इसका रेशियो कैसे बनता है, आपको एक लीटर एक्रिलिक वाटर प्रूफिंग केमिकल लेकर 3 लीटर उसमें पानी मिला देना और ठीक से मिक्स करके लगा देना है। इस पर टोटल 4 कोट होगा, प्राइमर फर्स्ट कोट हो गया माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्या होगा कि सीमेंटेटियस ट्रीटमेंट होगा जो सेकंड कोट होगा, वो भी आपको चैनल पर दिखाऊंगा, हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।